बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजदारी मुकदमात में पुलिस की जानिब से ताहीर जो की जाती है उसके प्रोसिक्यूशन केसेस पे क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जितनी भी डिले पुलिस के बिहाफ पे क्रिमिनल केसेस में होती है वो प्रोसिक्यूशन के लिए फेटल है और किस हद तक असरअंदाज होती है उस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे थे। बुनियादी तौर पर जराइम के इंसदाद और मुजरमान की सरकोपी के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। आपको पता है कि ताज़ीरात पाकिस्तान जो इंडियन ताज़ीरात हैं 1860 की हैं, मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की है, वक़्त के साथ साथ इसको अपडेट किया जाता रहा है। लेकिन हम जितना भी इंटरप्रटेशन केस लास्ट में देखते हैं अदलिया बहुत हद तक कोशिश तो करती है कि पुलिस के निज़ाम को बेहतर किया जाए, बल्कि अभी रिसेंटली 2019 में जस्टिस खोसा की सरबराही में जो भी काम हो रहा है पुलिस कोशिश तो की जा रही है कि पुलिस का निज़ाम बेहतर किया जा सके। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान के क्याम के बाद आहिस्ता आहिस्ता पुलिस और अदालतों में वो पहले वाली तेज़ी, पहले वाली चुस्तियाँ, पहले वाला वो जो मैार था वो नहीं है। बतौर वकील हम नोहा कना है, कुछ भी नहीं क्या कर सकते हैं। तफ्तीश मुकदमात के मकासद बदल गए हैं। हमारे मजिस्ट्रेट साहबान पुलिस को ढेल देने और पुलिस की दरख्वास्त पर खामोशी के साथ हम रोज़ देखते हैं पुलिस रिमांड ग्रांट कर रहे होते हैं। किसी मजिस्ट्रेट साहब की जरूरत ही नहीं आगे से बात करने की। मुलजमान को डिस्चार्ज करने, मुकदमात को खारिज करने और पुलिस के पसंदीदा लोगों को माल मुकदमा सुपुर्दारी पर देना हमारे मजिस्ट्रेट साहब का एक्शन कदम तस्वर किया जाता है। और मोस्टली मुझे बड़े एम्बेरसमेंट हुई पिछले दिनों एक मजिस्ट्रेट साहब को एक थाने के रूम से मैंने निकलते हुए देखा और SHO साहब के पिछले वाले कमरे में मजिस्ट्रेट साहब निकल रहे थे। मैं किसी जाति मामले में लोगों के मामले में या क्लाइंट्स के मामले में तो एक वकील का काम थाने में नहीं है, लेकिन एक जाति मामला था उसमें मुझे जाना पड़ा तो मैं परेशान के इलाका मजिस्ट्रेट साहब SHO के पिछले वाला जो कमरा था रिटायरिंग रूम जो था उसका वहां से निकल रहे थे। जनाब जो पोजीशन है हम और आपके सामने है, अब बात आ जाती है हम आप सेशन अदालत में रोज बरोज हम देखते हैं मुकदमात की समाअत के हवाले से। पहले कभी ऐसे था कि तेजी थी, जल्दी जल्दी मामला ट्रायल्स मुकम्मल हो जाते थे, लेकिन अब सेशन मुकदमात में आप कत्ल के मुकदमात तक को देखें कितने साल साल लटका दिए जा रहे हैं। बार बार जो है हियरिंग्स पेशियां बदली जाती हैं और जब से समाअत के अंदर ट्रायल के अंदर ताहीर के सबब जमानत मंजूर करने के हवाले से कानून के अंदर अमेंडमेंट कर ली हुई गई है, इस दिन से मुलजमात मुकदमात कत्ल में आपको पता ही है डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जमानत करवाने के लिए कि भाई चल मुकदमात को दो साल तक लटकाते रहते हैं, बाद में स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे जनाब एप्लीकेशन मूव करेंगे, बेल पिटीशन, पुलिस को थोड़े बहुत पैसे लगाए और बेल करवाई और घर गए। अब बात आ जाती है जनाब सबसे पहले FIR के अंदराज में पुलिस की ताखीर को हम डिस्कस करते हैं। थानेदार अपने आप तो मुकदमा दर्ज नहीं करता, जबकि 154 CRPC 1898 कहती है कि भाई चूहू एक कॉग्निजिबल ऑफेंस की बाबत एक SHO को पता चलता ही इज ऑब्लिगेटरी है उसके ऊपर कि वो फौरी FIR दर्ज करें। भैया एक वक्त था जब फौरी मुकदमा दर्ज कर लिए जाते थे, अंग्रेज दौर में एक पुलिस डायरी को पढ़ने का पिछले दिनों इतफाक हुआ और पुलिस की बाकायदा एक इस पर रेफरेंस भी दिया गया कि किला दीदार सिंह शायद बताया गया कि वहाँ पे एक जो SHO थे उन्होंने लिखा बाकायदा ये प्री पार्टीशन की बात है कि जनाब मुझे खबर मिली है कि फलां जगह पर जो है वो
कत्ल हो गया और मैं इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूँ और वहाँ पर ख़ुद रवाना हो रहा हूँ। हालांकि उस ज़माने में आबादी कम थी, मसाइल कम थे, मुकदमात कम थे। तहसील की सतह पर जनाब आपको पता है एक थाना होता था, थाने की हदूद बड़ी दूर दूर तक होती थी। कभी कभी जनाब कोई पुलिस वाला साइकिल पे दूर दूर देखने को मिलता था। तनख्वाहें कम थी, सहूलतें कम थी, मुकदमात की समात जनाब को पता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किया करते थे। अंदराज मुकदमात फौरी और तेज़ी के साथ उनके ट्रायल हो जाता था और मुकदमा दर्ज ना करने पर जो सीनियर अफसरान थे पुलिस के, वो नाकस कारकर्दगी पर पुलिस के जो अफसरान होते थे SHOs वगैरह को मुअत्तल करके उनकी इंक्वायरियाँ करते थे, हत्ता कि नौकरियों से बर्खास्त करने की सिफारिश किया करते थे। लेकिन अब तो मामला यहाँ पे है कि 154 की दचियाँ हम देखते हैं उड़ाई जाती हैं। हत्ता कि एक पीछे मामला आ गया, BIA 6 2001 में सेशन कोर्ट्स को दे दिया गया अख्तियार। लेकिन आप देखते हैं कि सैकड़ों के अतबार से BIA 6 की एप्लीकेशन आनी शुरू होगी, BIAB का एक पूरा जो सिलसिलाकार शुरू हो गया। हत्ता कि आपके सामने है जो भी सिलसिलाकार अभी रिसेंटली हुआ कि एक नेशनल जो पॉलिसी बनाई गई है जुडिशल नेशनल पॉलिसी के तहत, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि सबसे पहले आपने SHO की एप्लीकेशन देनी है, फिर उसके खिलाफ आपने मुतलका SP कंप्लेंट्स के पास जाना है। अगर SP कंप्लेंट्स जब तक अपना फैसला मुकम्मल लिख नहीं लेता दूसरों पार्टीज को बुला के, उस वक्त तक आप BIA 6 में पटिशन फाइल नहीं कर सकते। और अगर SP साहब अगर डिले कर रहे हैं तो फिर उनके लिए आर्टिकल 199 में आप हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस में जाने का इख्तियार है, और क्या आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। और रिट्स जो हाई कोर्ट्स में जिस तरह से लोग जलील होते हैं आपको मुझसे ज़्यादा पता है। आज के दौर में आप देखें थाने बहुत ज़्यादा हो गए, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, मुकदमात की भरमार है। और मुजरमों ने भी तो कमाल किया है जनाब कि जदीद जदीद तरीक़ों से जुर्म हो रहे हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गए हैं। और चूंकि जब वक्त आबादी बढ़ी है, पैसा ज़्यादा आया है, वाइट कॉलर क्राइम्स में इजाफा हुआ है, थानेदारों के न्यारे हो गए, बारे न्यारे हो गए जिनके। अब वहाँ पे इस मैन मोस्टली ये देखता हूँ कि वो पैसे भी अच्छे उनको मिल जाते हैं और उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ पार्टीज़ की जेब के ऊपर होती है। और मोस्टली जराइम में, बल्कि पिछले दिनों मैं तो एक ASI साहब को सलूट करना चाह रहा था कि जनाब आपकी दयानत को सलूट है, उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि 489F में बंदे को बेगुनाह लिख दिया। अरे भैया, 489F में किस तरह आप लिख सकते हो बेगुनाह? 489F में जबकि उस चेक की बाबत कोई गारंटी नहीं है, उस चेक की बाबत कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, कोई किसी जगह पे कोई ओब्लिगेशन के अवज दिया गया है, रीपेमेंट ऑफ लोन के अवज दिया गया है, चेक दिया गया, डिसऑनर हुआ है। 489F के जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो कि 2010 SCMR पेज 806 में इंटरप्रेट किए गए हैं, वो सारे मुकम्मल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और बाकायदा वो साबित हुआ है और पीछे की जमीनियों में सारा कुछ है, लेकिन तुमने एकदम से बदल दिया। अब पुलिस का निज़ाम भी साहिब चंद पैसों के मोहताज होकर रह गया है। अब इस वजह से आए रोज आपके पता ही है कि FIRs इतनी जल्दी दर्ज नहीं हुई, पुलिस उस FIRs को डिले करती है मजबूरन, किसी ना किसी आपको हाकमे आला के पास, किसी पुलिस के आला हाई अप्स के पास, अब SP कंप्लेंट के पास जाना पड़ रहा है। उससे पहले हमें सेशन जज के पास BIAB की पिटीशन फाइल करना पड़ती थी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप बड़ा प्रेशर डाल लें एक थानेदार के ऊपर कि ये पर्चा FIR लाजमी दर्ज करनी है, लेकिन उसके बाद फिर आपको उसके नतायज पता है कैसे भुगतने पड़ते हैं कि वो गिरफ्तारी के बगैर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, शामले तफ्तीश करते हैं बंदे को, प्री अरेस्ट बेल करवा के, और पहली जिमनी में ही अखराज रिपोर्ट बना के बंदा घर भेज देते हैं। और अगर 10 लाख का चेक है तो 5 लाख लेके अपनी जेब में डाल लेते हैं। मैंने अक्सर देखा जनाब, और दिल परेशान होता है। और बाजुकात थानेदार मदई को टालता रहता है, टालता रहता है, टालता रहता है। जब मुकदमा दर्ज करते हैं तो मदई के खाते में उल्टी ताखीर डाल दी जाती है। और पहले जनाब जो एक वकील साहब आते हैं वो आते कहते हैं जनाब इतने माह का डिले है
कितने माह का डिले, 489F के मुकदमे मुझे कहने लगे 4 माह का डिले है। मैंने, मेरे पास अभी दूसरी कोर्ट से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे 8 माह का डिले है। तो वो डिले कैसे होगा जब पुलिस डिले कर रही होती है, FIR एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, पुलिस उसको डिले कर रही है, और डिफेंस के जो वकील साहब हैं उसको बड़ी प्ली लेते हैं बेल के लिए। अदालतें जो हैं इस रवज पर कायम हैं कि ताखीर अंदराज मुकदमा मुलजमान को फंसाने के लिए फैब्रिकेटेड कहानी है, झूठे गवाहान बना लिया गया, झूठे गवाहों के पास सलाह मशवरा किया गया है, जितना डिले हुआ है वो सारा प्रोसिक्यूशन के खाते में डाल दिया जाता है, और मदई बेचारा बेकसी और बेबसी की तस्वीर बना रहता है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि हाई कोर्ट में जाके पहली बात ये होती है, जनाब डिले ऑफ FIR इतने, अगर हर्ट केसेस हैं तो 5 दिन का, 10 दिन का, अरे भाई हर्ट केसेस में यहाँ पे 6 माह तक, मेरे ही मैंने देखा एक केस में कि 6 माह तक बाई A6 की एप्लीकेशन जो थी वो डिले करते रहे, और जो बारिश किस्म के जज साहब हैं और बड़े नेक परहेजगार हैं वो चुप करके चलाते रहे, 15-15, 20-20 दिन की डेटें दे रहे हैं, पुलिस भी डिले कर रही है, और हम जो जिस और सब लोग इस तरह चल रहा है। अब बात आ जाती है कि ताखीर अंदराजे मुकदमा जो है वो किस तरह से प्रोसिक्यूशन के लिए फैटल है, और मदई के लिए, मदई मुस्तगी से मुकदमा के लिए बुरे असरात क्रिएट करती है। अब अगर FIR में ताखीर की वजह बयान नहीं की जाती तो कानून एक सेटल्ड प्रिंसिपल इस चीज़ को बना देता है, और सितम ज़रीफ़ी है हम लोगों की, और हम माने बैठे हैं PLJ 2004 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान P552 में कहा गया कि अगर FIR में डिले करने की कोई ताखीर नहीं बयान की गई तो भाई मुकदमा ही मशकूक समझा जाएगा। भाई कहाँ गया आपका 154 CRPC 1898, उसकी तो उस रूह की तहजियाँ आपने उड़ा दी हैं। और अगर अंदराज मुकदमा में 24 घंटे की ताखीर है तब भी मुकदमे को आप कहते हैं मशकूक है, फैब्रिकेट किया गया है, गवाहान गड़े गए हैं, सारी कहानी जो है वो बना दी गई है, पुलिस उसको डिले कर रही है, वो बेचारा जलीलो ख्वार मुस्तगीस होता रहा है, और इस तरह से पुलिस की जो डिले था वो इतना ज़्यादा फैटल है, इतना ज़्यादा फैटल है जनाब, कि हम लोग 24 घंटे की डिले है एक FIR में, और कानून उसको कहता है कि पूरे का पूरा मुस्तगीस का मुकदमा जो है मशकूक है, गवाहान मशकूक हैं, सारी स्टोरी फैब्रिकेटेड है। और इस बात को इंटरप्रेट भी किया गया PLJ 1994 Page 452 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया, और 2009 PCRL Page 27 इस बात की मजीद तायद कर रही है। अब बात आ जाती है साहिब, अंदराजे मुकदमा जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना दिया गया आज के दौर में भी, अभी अब देखें हम लोग स्ट्राइक्स भी बतौर वकील करते रहे हैं और अभी स्ट्राइक्स हो रही हैं बाज़ जगहों पे। मामला ये है, जब बाई A6 थी, जज साहबान जो थे वो डायरेक्शंस दे भी रहे थे FIR के लिए कि जनाब FIR करें, उस वक्त भी, उस वक्त का एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एक किसी का बाई AB का एक रिट मैंने की एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, जब रिट फाइल कर दी तो रिट चलते चलते 2.5 माह गुजर गए, फिर जनाब SHO साहब ने पर्चा नहीं दिया, फिर हम उसकी कंप्लाइंस में चले गए, कंप्लाइंस में 2 माह गुजर गए, जब कंप्लाइंस में जनाब चल रही थी तो अभी जो मुलजम पार्टी थी वो जाके हाई कोर्ट से जनाब स्टे ले आई और वहाँ पे प्रोसीडिंग्स का स्टार्ट हो गया, आर्टिकल 199 में उन्होंने जनाब रखवा ली FIR। उसके लिए मुझे क्लाइंट ने फीस दी और मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ पे डायरेक्शन हुई, जब बाहर निकला तो जनाब मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब मुबारक हो, जज साहब ने फौर का डायरेक्शन दे दिया और जनाब ये हो गया जनाब। उसने कहा वकील साहब आप परेशान ना हो, 5 माह खामखा में इस गंदे निज़ाम की वजह से सरफ हो गए हैं मेरे। कल रात को मैंने मुतलका SHO साहब को 30,000 रुपया बजरिया एक साफ़ी के दिया है, और जनाब वो मेरी FIR रात को मुझे मिल गई थी और मैं ले आया हूँ, आप टेंशन ना लें, आप छोड़ें सारे प्रोसीडिंग्स को। तो डेट इज़ द स्पिरिट ऑफ 154, उस इस छोटे सी बात में 154 की जो स्पिरिट है और बाई A6 की जो स्पिरिट है वो प्रैक्टिस में ये है, और कहाँ जाएगा वो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का बेसिक ला जो आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया कि नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस जराइम जो भी हैं
जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं इसमें पुलिस तफ्तीश करने के बाद मुकदमा, इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल बाहर है, पहले कोई तफ्तीश नहीं होगी, पुलिस तफ्तीश करने की मजाज नहीं है एफआईआर करने से पहले पहले, तो वो कहाँ जाएगा जनाब? पहले आप एफआईआर करेंगे फिर आप तफ्तीश करेंगे, अब यहाँ पे पहले इंक्वायरी और तफ्तीश हो रही होती है, बाद में जनाब वहाँ पे एफआईआर हो रही होती है। अब इसी बात को अगर हम देखें 2010 पीसीआरएल जब पेज 45 के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया था, उसके बाद हम देखते हैं कि तफ्तीश की तकमील के अंदर ताखीर का मामला आ जाता है, एफआईआर किसी ना किसी तरह से रो पिट के जनाब हो जाती है, अगला मामला आ जाता है, हम फिर पुलिस के रहमो करम पे तकमील तफ्तीश के अंदर ताखीर में आ जाते हैं। अब पंजाब पुलिस अगर हम देखें तो पुलिस रूल्स 1934 चैप्टर नंबर 27 रूल 1 क्लास 4 के अंदर ये हुक्म दर्ज है कि जब मुलजम गिरफ्तार कर लिया जाए तो तकमील तफ्तीश जो है 14 डेज के अंदर अंदर बगर्ज़े समाते चलान मुतलका अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर जो है बिला ताखीर पेश करे और कोई चलान 14 दिन से जायद अरसा रोक कर ना रखे। अब आप खुद बताइए मेरे दोस्तों, खुद बताइए कि कौन सी तफ्तीश 14 दिनों में मुकम्मल करके मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचती है? ख्वाह तफ्तीश मुकम्मल हो या नामुकम्मल हो, नामुकम्मल चलान अदालत में भिजवाने के बाद जो शहादत तफ्तीश से दस्तियाब हो उसे एक जिमनी चलान के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा बाद में। उसके बाद सेक्शन 170 मजमूआ जाब्ता फौजदारी 1898 के तहत चालान के साथ ही मदई और गवाहान को मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिरी का पाबंद करके भिजवा दिया जाएगा ताकि मजिस्ट्रेट चालान पेश होते ही उसी दिन हाजिर हुए हुए गवाहों की हाजिरी डाले और अगर समाअत के लिए सेशन कोर्ट में जाना है मुकदमे को तो बाकायदा तौर पर सेशन जज साहब के पास रेफरेंस भिजवा दे और अपनी इख्तियार समाअत के मुकदमात में अगर है तो उसकी कॉग्निजेबल ले और फौरी तौर पर शहादत लिखनी शुरू कर दे। लेकिन सितम जरीफी है मेरे दोस्त, चलान पेश करने में ताखीर करने से रिश्वतानी के इम्कानात को चूंकि फरोग मिलता है और हमारे यहाँ जो मामला है वो आपके सामने है, चलान पेश करना है साहब, मदई को कहना है कि लाओ भाई पैसा, मुलजमान को कहना है लाओ भाई पैसा, मुलजमान के वारसान को मौका मिलता है कि वो गवाहान इस्तगासा को कानूनी और गैर कानूनी और गैर अदालती जराए से मुनहरफ करवा देते हैं, उन गवाहों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, गवाहों के रिश्तेदारों को ला के उनके घरों में बिठा दिया जाता है और तफ्तीश में ताखीर के इंसदाद के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक खसूसी तरमीमी कानून देते हुए करार दिया था कि मुकदमा दर्ज करने के 14 दिन बाद चलान मां गवाहान अदालत में पेश कर दिया जाए और ये बाकायदा तौर पर जो एक्ट 1992 से नाफिजुल अमल है। लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी बड़ी बेनियाजी के साथ हम देखते हैं 1992 से लेके पहले भी ऐसे ही था, पहले तो फिर भी कुछ मामला ठीक थे, जब ये अमेंडमेंट 1992 में की गई है 14 दिन वाली मैंडेटरी कर दी गई, उसमें सख्ती भी की गई है, लेकिन 14 दिन का जो चालान है वो हो सकता है आप लोगों ने देखा हो भाई। अब पुलिस मजिस्ट्रेट के साथ तावन के बहाने पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को नाकाम बनाने में बिल्कुल बहानेबाजियों पे डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करती है और हमारी अदालतें भी इन तमाम कवानीन को कति सूरत अमल दरामद नहीं करवाती। देन आप एक SHO या एक थानेदार को क्या ज़रूरत है कि वो तफ्तीश की रफ्तार बढ़ाए, वो चलान की तकमील में तेज़ी से काम करें, क्योंकि अदालत चुप करके सोई हुई है। जब अदालत चुप करके सोई है तो भाई तकमील तफ्तीश में भी ताखीर जो है वो पुलिस को हम अगर इल्ज़ाम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो हमें इस बात को यहीं पर रखना चाहिए। लें जी पुलिस के एंड के ऊपर जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं फौजदारी मुकदमात की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, उस पर हम डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर इस बात पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे हम गपशप लगाएंगे। मज़ीद अगर किसी दोस्त के जहन में कोई अच्छी बात आए, कुछ सजेशन आए, कोई केस ला आए, आप लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें।
एक दूसरे से शेयर करने से इल्म बढ़ता है, और मेरे जैसे ना लायक बच्चों को भी बहुत सी बातों का पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।